हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के फाइनल प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, प्लेयर्स अपडेट, प्लेयर्स मैचअप, टीम प्रेडिक्शन और फैंटेसी टीम के बारे में। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो मेगा ग्रैंड लीग, वो भी सिर्फ ₹1 में। आई नो विश्वास नहीं हो रहा होगा, बट यह एकदम सच है। कैसे जीत सकते हो ये वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, हमने आपके लिए इस वीडियो में गिवअवे रखा है, जिसमें फर्स्ट लाइक और कमेंट करने वालों को मिलेंगे ₹200 और इस वीडियो में पूछे गए 3 सवालों में से 2 सवाल को बराबर जवाब देने वालों को, पहले जो जवाब देगा उसको मिलेंगे ₹200 और 3 सवालों का बराबर जवाब देने वालों को मिलेंगे ₹500। गिवअवे रोज होंगे और इसके विनर हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अनाउंस करेंगे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भूलिएगा नहीं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि हम आपको डेली क्रिकेट न्यूज फैक्ट अपडेट देने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच 11 नवंबर को सुबह 10:30 बजे महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे में खेले जाने वाला है। अब बात करते हैं वेन्यू के बारे में। तो डायमेंशन की बात करें तो पुणे में सबसे बड़ी बाउंड्री 70 मीटर की है और सबसे छोटी बाउंड्री 58 मीटर की है। एमसीए के पिच को काली मिट्टी से बनाया गया है। काली मिट्टी की पिच पर तेज गेंदबाजों के मुकाबले स्पिन गेंदबाजों को अधिक मदद मिलती है। शुरुआती खेल में यह पिच बल्लेबाजों को मदद करती है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है पिच पर खेलना उतना ही मुश्किल हो जाता है और स्पिन गेंदबाज मध्य ओवर में विकेट ले सकते हैं। इस पिच पर पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम अधिक मैच जीती और रिकॉर्डों को देखकर यही प्रतीत होता है। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना और भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकते हैं। इस ग्राउंड का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 306 रन है एंड सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 249 रन है। हाईएस्ट टोटल की बात करो तो साउथ अफ्रीका ने 357 रन 4 विकेट खोकर 50 ओवर में बनाए और लोएस्ट टोटल की बात करो तो न्यूजीलैंड 167 रन 10 विकेट खोकर यहां बनाया है। इसी ग्राउंड पर पहले बैटिंग करने वाली टीम 10 मैचों में से 67% जीती है तो दूसरी बैटिंग करने वाली टीम सिर्फ 33% जीती है। साथ ही इस ग्राउंड पर लास्ट कुछ मैचों में पेसर्स ने 101 विकेट लिए हैं तो स्पिनर्स ने 39 विकेट लिए हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप खेल सकते हो मेगा ग्रैंड लीग, वो भी सिर्फ ₹1 में। 11 नवंबर को वर्ल्ड कप का मैच है ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप और अभी टीम बनाओ। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करो। अगर आप रजिस्टर करने के 1 घंटे में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो तो आपकी एंट्री फीस होगी सिर्फ ₹1 और आपको मिलेंगे सिर्फ ₹1 में मेगा ग्रैंड लीग जीतने का मौका। तो मिस मत करो, अभी डाउनलोड करके कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो क्योंकि बाद में एंट्री फीस बढ़ जाएगी। और एक बात और, इस ऐप में बाकी फैंटेसी ऐप के कंपैरिजन में कंपटीशन कम है और प्राइजेस बहुत बड़े, चाहे तो स्पोर्ट्स हो या फुल साइज चेक कर लो, लेकिन फिर भी ऐप में मिलते हैं बहुत बड़े बड़े प्राइजेस लाइक SUV कार, लाखों के कैश प्राइजेस एंड लेटेस्ट आईफोन। तो स्मार्ट बनो, माई 11 सर्कल ऐप को चुनो, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड और यूज करो मेरा कूपन कोड MECNEW तो डिपॉजिट करते ही मिलेगा 20% एक्स्ट्रा रियल कैश और साथ ही मिलेगा 1500 का बोनस कैश। अब बात करते हैं दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। डेविड वार्नर के साथ ओपनिंग करेंगे ट्रेविस हेड, फिर मिचेल मार्श, स्टीवन स्मिथ, मार्नस लाबुचंगने, ग्लेन मैक्सवेल, जॉस इंग्लिश, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, एडम जंपा, जॉस हेजलवुड। इस टीम में डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पर आपको मिचेल मार्श, नंबर 4 पर स्टीवन स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल इस मैच में फिनिशिंग का रोल निभाएंगे। अब बात करते हैं बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की। तो तंजीद हसन के साथ ओपनिंग करेंगे लिटन दास, मेहदी हसन मिराज, नजमुल हुसैन सैंतो, महमूदुल्ला, मुस्फिकुर रहीम, मेहदी हसन, तौहीद हृदय, तंजीन हसन, सकीब, तस्कीन अहमद एंड सॉरी फुल इस्लाम। इस मैच से साकिब अल हसन रूल्ड आउट हो चुके हैं तो मोस्ट प्रोबेबली नजमुल हुसैन संतोष टीम की कप्तानी करते हुए दिख सकते हैं। इस टीम में तंजीद हसन और लिटन दास दोनों ओपनिंग करेंगे बांग्लादेश के लिए। नंबर 3 पर आपको मेहदी हसन मिराज और नंबर 4 पे नजमुल हुसैन संतो और महमूदुल्ला इस टीम में फिनिशिंग का रोल निभाएंगे। अब हमारा गिवअवे का पहला क्वेश्चन, इस मैच में सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। बाकी 2 क्वेश्चन के लिए वीडियो को आगे तक देखते रहिए। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि जो मैचेस हम यहाँ कवर नहीं करते उसका वीडियो हम अपने दूसरे चैनल पर अपलोड करते हैं, तो दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, इसमें कुछ भी बदलाव होते हैं तो इसकी अपडेट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दिया है। तो जल्दी जाइए, चैनल को ज्वाइन करिए और फायदा उठाइए। अब बात करते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड कंपैरिजन के बारे में। तो लास्ट 3 मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने 9 मुकाबले जीते हैं तो बांग्लादेश ने सिर्फ 0 मुकाबले जीते हैं, ये सिर्फ लास्ट 10 मैचों के मुकाबले की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं दोनों टीम्स के फॉर्म की। तो बांग्लादेश ने लास्ट 5 मैचों में से 1 मैच जीते और ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट 5 मैचों में से 5 मैच जीते हैं। अब बात करते हैं दोनों टीम्स के लास्ट हेड टू हेड जो मैच हुआ था उसके बारे में। तो डेविड वार्नर की बैटिंग बात मतलब जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बात करते हैं तो डेविड वार्नर ने 147 रन बॉलों में 166 रन बनाए और उस्मान ख्वाजा ने 72 बॉलों में 89 रन बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने।
बांग्लादेश की बॉलिंग की बात करें तो सौम्य सरकार ने 8 ओवर में 58 रन देकर 3 विकेट लिया और मुस्तफिजुर रहमान ने 9 ओवर में 69 रन देकर 1 विकेट लिया। सेकंड इनिंग की बात करें तो बांग्लादेश की बैटिंग मुशफिकुर रहीम 97 बॉलों में 102 रन और महमूदुल्ला ने 50 बॉलों में 69 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग की बात करें तो 10 ओवर में 55 रन देकर 2 विकेट लिया और नाथन कुल्टरनाइल ने 10 ओवर में 58 रन देकर 2 विकेट लिया। अब बात करते हैं वेन्यू पे हुए लास्ट 5 मैचों के बारे में। तो सबसे पिछला मैच हुआ था यहाँ पर इंग्लैंड और नीदरलैंड्स का। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 339 रन 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर बनाए और नीदरलैंड इस टोटल का पीछा करते हुए 179 रन पे ऑल आउट हो गई थी। इस मैच में स्पिनर्स ने 8 विकेट लिए थे तो पेसर्स ने 9 विकेट लिए थे। उससे जो पिछला मैच हुआ था साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का होता है, इस मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 357 रन 4 विकेट खोकर बनाए और न्यूजीलैंड इस टोटल का पीछा करते हुए 177 रन 10 विकेट खोकर बना पाई। इस मैच में स्पिनर्स ने 4 विकेट लिए थे तो फास्ट बॉलर्स ने 10 विकेट लिए थे। उससे जो पिछला मैच हुआ था श्रीलंका और अफगानिस्तान का हुआ था, इस मैच में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 241 रन 10 विकेट खोकर बनाए और अफगानिस्तान इस टोटल का पीछा करते हुए 242 रन 3 विकेट खोकर इस मैच को जीत लिया। इस मैच में स्पिनर्स ने 3 विकेट लिए थे तो फास्ट बॉलर्स ने 8 विकेट लिए थे। उससे जो पिछला मैच हुआ था इंडिया और बांग्लादेश का होता, इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 256 रन 50 ओवरों में 8 विकेट खोकर बनाए और इंडिया इस टोटल का पीछा करते हुए 271 रन 3 विकेट खोकर इस मैच को जीत लिया। इस मैच में स्पिनर्स ने 5 विकेट लिए थे तो फास्ट बॉलर्स ने 6 विकेट लिए थे। उससे पिछला जो मैच हुआ था इंडिया और इंग्लैंड का हुआ था, इस मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 317 रन 50 ओवरों में 6 विकेट खोकर बनाए और इंग्लैंड इस टोटल का पीछा करते हुए 251 रन पे ऑल आउट हो गई थी। इस मैच में स्पिनर्स ने 1 विकेट लिए थे तो फास्ट बॉलर्स ने 14 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं सभी प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग सबसे पहले बताते हैं ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स के एंड बॉलर के। और डेविड वार्नर 18 11 81 104 163 हेड टू हेड मैच में 2 मैच खेला 206 रन बनाए 206 के एवरेज से। ट्रेविस हेड 0 15 109 17 38 प्लस 2 विकेट, एक मैच खेला उसमें बैटिंग नहीं आई थी इनकी। मिचेल मार्श 24 36 रन प्लस 0 विकेट 9 रन प्लस 2 विकेट 121 रन 52 रन। हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला इन्होंने। स्टीवन स्मिथ 44 रन 18 रन 18 रन 71 रन 7 रन। हेड टू हेड मैच 5 मैच खेला 29 रन बनाए 9 के एवरेज से। मार्नस लागुचंग ने 14 रन 71 रन 18 रन 62 8। हेड टू हेड में कोई भी मैच नहीं खेला इन्होंने भी। ग्लेन मैक्सवेल 201 रन प्लस 1 विकेट 41 रन प्लस 1 विकेट 106 रन 0 रन प्लस 0 विकेट 31 रन प्लस 1 विकेट। हेड टू हेड में 2 मैच खेला 32 रन बनाए 32 के एवरेज से। जॉस इंग्लिस 0 3 38 14 13। हेड टू हेड मैचों में कोई मैच नहीं खेला इन्होंने। पैट कमिंस 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। हेड टू हेड में 2 मैच खेला 1 विकेट लिया इन्होंने। मिचेल स्टार्क 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। हेड टू हेड में 2 मैच खेला 6 विकेट लिया इन्होंने भी। जॉस हेजलवुड 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। हेड टू हेड में 1 मैच खेला 1 विकेट लिया इन्होंने। एडम जंपा 1 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 4 विकेट 4 विकेट। हेड टू हेड मैच में 2 मैच खेला और 3 विकेट लिया इन्होंने। अब हमारा गिव अवे का दूसरा क्वेश्चन, इस मैच में सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हम आगे वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को आगे देखते रहिए। अब बांग्लादेश बैटिंग की बात करते हैं तो लिटन दास 23 रन 45 3 22 66। हेड टू हेड में 1 मैच खेला है 20 रन बनाए 20 के एवरेज से। तंजीद हसन 9 रन 0 रन 15 12 51। हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला इन्होंने। मेहदी हसन मिराज 3 रन प्लस 1 विकेट 25 रन प्लस 3 विकेट 35 रन प्लस 0 विकेट 11 रन प्लस 1 विकेट 3 रन प्लस 2 विकेट। हेड टू हेड में 2 मैच खेला है 10 रन 20 रन बनाए 10 के एवरेज से। नजमुल हुसैन संतो 90 4 9 0 8। हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला इन्होंने भी। मुशफिकुर रहीम 10 रन 5 रन 1 8 38। हेड टू हेड में 6 मैच खेला है 239 रन बनाए 119 के एवरेज से। महमूदुल्ला 22 56 111 46 41। हेड टू हेड में 6 मैच खेला है 212 रन बनाए 53 के एवरेज से। मेहदी हसन 2 विकेट 4 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट। हेड टू मैच में कोई मैच नहीं खेला इन्होंने। तोहिर दिरदोए 15 रन 7 रन 16 13 39। हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला इन्होंने भी। तस्कीन अहमद 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। हेड टू हेड में इन्होंने भी कोई मैच नहीं खेला है। तंजीद हसन साकिब 3 विकेट 0 विकेट 2 विकेट। हेड टू हेड इन्होंने भी कोई मैच नहीं खेला है। सोरीफुल इस्लाम 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। हेड टू हेड में इन्होंने भी एक भी मैच निकला है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं फैंटेसी टीम के बारे में। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं की प्लेयर्स, फिर ट्रम्प कार्ड्स, पॉसिबल कैप्टन और वाइस कैप्टन। इस मैच के की प्लेयर्स हैं मिचेल स्टार्क, नजमुल हुसैन संतो, डेविड वार्नर, जॉस हेजलवुड, मिचेल मार्श, तस्कीन अहमद, ट्रेविस हेड।
सबसे पहले बात करेंगे ट्रेविस हेड, ये आपको बैटिंग से अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं और अच्छे खासे रन बनाकर दे सकते हैं टीम को। ये पिच बल्लेबाजी को सपोर्ट कर सकती है, तो इस कंडीशन में अच्छा कर सकते हैं और ये बढ़िया प्लेयर है, इनसे एक हम अच्छी पारी की उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं तस्कीन अहमद, इन्होंने कुछ मैचों में अच्छे विकेट लिए हैं और काफी अच्छे फॉर्म में यहाँ पर अच्छा करते हुए दिख सकते हैं और डेथ और पावर प्ले दोनों में गेंदबाजी कराएंगे, इसकी वजह से इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। मिचेल मार्स इस मैच में इस पिच पर अच्छे रन बना सकते हैं, इस मैच में अच्छे खासे रन स्कोर कर सकते हैं। सामने इतनी भी स्ट्रांग टीम नहीं है, अगर पहली पारी में बल्लेबाजी करते हैं तो काफी अच्छे खासे रन स्कोर कर सकते हैं। काफी अच्छे बल्लेबाज है और बैटिंग से भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में और ठीक ठाक रन स्कोर किया है, तो आप इनसे अच्छी पारी की उम्मीद कर सकते हैं इस मैच में। स्पिन गेंदबाज को भी ठीक ठाक खेल लेते हैं तो इस कंडीशन में अच्छा कर सकते हैं। डेविड वार्नर ओपनिंग बैटिंग कर रहे हैं, जो पिछले मैच के लिए उसमें अच्छे रन स्कोर किया, काफी कंसिस्टेंट खिलाड़ी है, अपने टीम के लिए अच्छे रन स्कोर कर सकते हैं, एक जिम्मेदारी पारी खेलते हुए दिख सकते हैं इस विकेट पर। और इनका बांग्लादेश के खिलाफ रिकॉर्ड भी अच्छा है और ये पिछले कुछ मैचों से अच्छे टच में भी दिख रहे हैं। मिचेल स्टार्क काफी अच्छी बॉलिंग कराते हैं, अधिकतम समय आपको विकेट निकाल कर देंगे, काफी प्रतिभाशाली गेंदबाज है जो आपको बढ़िया गेंदबाजी कराते हुए दिख सकते हैं इस विकेट पर और इस पिच पर अच्छा करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेसर्स ठीक ठाक मतलब परफॉर्मेंस करते हैं और विरोधी को अच्छा खासा परेशान कर सकते हैं अपने पेस से। अपोनेंट के खिलाफ रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है इनका। नजमुल हुसैन सैंतु अपनी टीम के बढ़िया खिलाड़ी है, काफी अच्छा कर रहे हैं और बढ़िया फॉर्म में भी है, जो पिछला मैच इन्होंने खेला था श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 90 प्लस स्कोर किया था, काफी कंसिस्टेंट प्लेयर है, बट इनसे जो टूर्नामेंट इस मैच को छोड़ दे तो उससे पहले कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं इस टूर्नामेंट में, बट लास्ट मैच में अपना फॉर्म को दिखाए थे तो अच्छा कर सकते इस मैच में। जोश हेजलवुड ये डेथ और पावर प्ले दोनों में गेंदबाजी करेंगे, वहां विकेट मिलने का चांस ज्यादा होगा और अगर इनकी टीम पहली पारी में गेंदबाजी करेगी तो डेथ में गेंदबाजी कर सकते हैं और डेथ में अच्छे खासे विकेट निकाल सकते हैं और ये अंडर लाइट भी बहुत खतरनाक गेंदबाज बन जाएंगे, ये मतलब बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर को खलास कर सकते हैं, मतलब विकेट उखाड़ सकते हैं जल्दी से और कोलैप्स कर सकती है टीम हो इनके सामने। ये सभी प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में हमें अच्छे पॉइंट दे सकते हैं, तो आप इनको जरूर पिक कीजिएगा। अब ट्रंप कार्ड्स की बात करते हैं, तो तंजीद हसन साकिब, लिटन दास, पैट कमिंस। सबसे पहले बात करते हैं पैट कमिंस, इनको उतना लोग ट्राई नहीं करेंगे, अगर इनकी टीम पहले गेंदबाजी करेगी तो डेथ में गेंदबाजी कर सकते हैं, वहां पर आपको अच्छा खासा परफॉर्म करके दे सकते हैं। लिटन दास इन्होंने पिछले कुछ मैच में भले ही स्कोर किया है लास्ट दो तीन मैच की बात करें तो, बट लोग इनको थोड़ा बहुत इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो मैक्सिमम पिक करना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर के, और जो बचेंगे वो नजमुल, तस्कीन, मेहदी हसन मिराज, ये सबको पिक करेंगे, तो ये आपके लिए एक अच्छा खासा पिक हो सकता है अगर पहले बैटिंग करें बांग्लादेश तो। तंजीद हसन साकिब अगर इनके टीम पहले गेंदबाजी करे तो शुरू में गेंदबाजी कर सकते हैं, वहां पर आपको अच्छा खासा विकेट निकाल कर दे सकते हैं, इन्होंने पिछले मैच में भी 3 विकेट लिया था, तो आप इनसे अच्छी बॉलिंग को उम्मीद कर सकते हैं इस मैच में। इन सभी प्लेयर्स की सिलेक्शन तो कम है लेकिन यह प्लेयर्स हमें कभी भी अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं और इनमें से कुछ प्लेयर तो अपने टीम में हम जरूर लेंगे। अब देखते हैं पॉसिबल कैप्टन और वाइस कैप्टन, डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, ट्रेविस हेड, ये 3 कप्तानी और कप्तानी के लिए अच्छे विकल्प है। डेविड वार्नर ओपनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो रन स्कोर करने का चांस ज्यादा होगा, अच्छे फॉर्म में और पिछले कुछ मैचों से अच्छे रन स्कोर किए इन्होंने और ठीक ठाक फॉर्म में, इनको काफी मैचेस का एक्सपीरियंस भी है बांग्लादेश के विरुद्ध खेलने का, ऑलमोस्ट 4-5 मैच खेल चुके हैं। एंड उसके बाद बात करें ट्रेविस हेड, अच्छे बैट्समैन है, इस विकेट पर बैटिंग करते हुए देख सकते हैं, काफी अच्छे पॉइंट दे सकते हैं और ये टूर्नामेंट का जो पहला मैच खेला था उसमें इन्होंने शतक बनाया था, उसके बाद थोड़ा सा लास्ट मैच में कुछ खास किया नहीं, बट इस मैच में अच्छा खासा कर सकते हैं, तो आपके लिए कैप्टन एंड वाइस कैप्टनसी के लिए काफी अच्छे विकल्प है। ग्लेन मैक्सवेल पिछले मैच में इन्होंने 201 रन की पारी खेली एंड हारा हुआ मैच अफगानिस्तान से जीत लिया, इन्होंने 201 रन बनाए थे और एक विकेट भी लिया था, काफी कंसिस्टेंट गेंदबाज है, 10 ओवर इनको पूरी टीम करा रही है, इनसे मतलब करवा रही है 10 के 10 ओवर और बल्लेबाजी में भी प्रमोशन मिल जाता है, अगर ज्यादा बढ़िया मतलब बढ़िया स्कोर करके दे दे तो ओपनर तो इनको प्रमोट कर दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में अच्छे खासे आपके लिए कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी के लिए पिक हो जाएंगे। अब देखते हैं फैंटेसी टीम के बारे में, तो सर दोस्तों विकेट कीपिंग सम सेलेक्ट करेंगे लिटन दास, ये आपको हर मैच में अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं और काफी अच्छे फॉर्म में भी है, पिछले कुछ मैचों से काफी अच्छे पॉइंट दे रहे हैं और हमारे पास जॉस इंग्लिश, मुशफिकुर रहीम एंड इनके में तीनों में ऑप्शन है तो मैंने इनको पिक किया, आप चाहे तो मुशफिकुर रहीम को भी पिक कर सकते हैं और जॉस इंग्लिश शायद उनका बैटिंग आने का चांसेस थोड़ा कम है इस वजह से उनको आप ड्रॉप करके ही जाइएगा, अगर सेकंड इनिंग में गेंदबाजी बल्लेबाजी करे ऑस्ट्रेलिया तो जॉस इंग्लिश के बारे में सोचिएगा ही मत। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन से, तो डेविड वार्नर, मिचेल मार्स, ट्रेविस हेड, नजमुल हसन सैयद, महमूदुल्ला, ये 5 खिलाड़ी हमने बैटिंग सेक्शन से लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेविड वार्नर, इन्होंने जो पिछले मैच खेला उनमें अच्छा खासा रन स्कोर करके दिया, काफी टैलेंटेड बल्लेबाज है, मैक्सिमम टाइम आपको स्कोर करके देंगे और टीम के लिए अच्छी पारी भी खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, विरोधी टीम के खिलाफ इनका औसत भी सही है, तो आप इनको जरूर पिक कीजिएगा, इन कैप्टन से वाइस कैप्टन से काफी अच्छे ऑप्शन है, मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद बात करते हैं मिचेल मार्स, आपको बैटिंग से अच्छे खासे योगदान कर रहे हैं, इन्होंने पिछले जितने मैच खेला इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा रन स्कोर किया एंड आखिरी मैच में ठीक ठाक टच में भी थे,
ट्रेविस सिड अच्छे खिलाड़ी है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो पहला मैच खेला था उसमें शतक बनाया था और इनसे एक हर एक मैच में मैक्सिमम मैचेस में अच्छी पारी उम्मीद कर सकते हैं। काफी टैलेंटेड बल्लेबाज है इस फॉर्मेट के, खासकर महमूदुल्लाह अच्छे फॉर्म में अच्छे रन बनाकर दे रहे टीम को। जब भी बांग्लादेश की टीम कोलैप्स की है तब इन्होंने पारी संभाल के दिया, तो इनको आप मिस मत कीजिएगा। काफी टैलेंटेड बल्लेबाज है, ऑलराउंडर कह सकते हैं। अगर टीम बॉलिंग दे तो बॉलिंग में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। नजमुल हुसैन संतू काफी अच्छे बल्लेबाज, इस टूर्नामेंट में जो लास्ट मैच हुआ था उसमें शतक बनाया था, उससे पहले थोड़ा सा खास परफॉर्मेंस रहा नहीं, बट थोड़ा सा फॉर्म में आएगा और इस मैच में कप्तानी भी करेंगे तो एक कप्तानी पारी खेल सकते हुए दिख सकते हैं इस मैच में। ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल, मेहदी हसन मिराज को मैंने पिक किया। ग्लेन मैक्सवेल काफी अच्छे ऑलराउंडर है, अधिकतम समय आपको विकेट निकाल कर देंगे और मैक्सिमम टाइम आपको रन बनाकर दे रहे हैं। पिछले मैच में आप देख लीजिए 200 रन प्लस स्कोर किया था, 201 रन एंड काफी बढ़िया पिक है ऑलराउंडर सेक्शन से। कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी, कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी काफी अच्छे प्लेयर मतलब पिक हो सकते हैं आपके लिए। अब बात करते हैं मेहदी हसन मिराज, अच्छे गेंदबाज है, शुरू में भी गेंदबाजी करा सकते हैं इनसे टीम और मिडल में भी करवा रही है, तो एक दो से विकेट निकाल कर दे सकते हैं और इनको टीम प्रमोट भी कर रही है बैटिंग के लिए, तो आप इनके लिए आपके लिए अच्छे खासा पिक हो सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो जॉस एजलवुड, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा, ये तीन गेंदबाज हम बॉलिंग सेक्शन से लेंगे, अच्छे खासे कराते हुए दिख सकते हैं अपने ओवर। जॉस एजलवुड काफी अच्छे गेंदबाज है, कोई भी पारी है महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आप इनको कोई सी इनिंग में भी ट्राई कर सकते हैं। पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे, ऑस्ट्रेलिया के लिए रिकॉर्ड बहुत बढ़िया इनका। एडम जंपा ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी टैलेंटेड बॉलर है, काफी अच्छे विकेट ले रहे हैं, मिडल ओवर में गेंदबाजी करते हैं। अगर इनकी टीम सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करते हैं तो इनको ड्रॉप करने का चांस ही मत लीजिएगा, क्योंकि हर एक मैच में जब भी बॉलिंग किया सेकंड इनिंग में 3 विकेट 2 विकेट 4 विकेट ऐसे विकेट लिया इन्होंने इस टूर्नामेंट में। मिचेल स्टार्क काफी अच्छे गेंदबाज है, इस टूर्नामेंट मैक्सिमम विकेट लिया इन्होंने, मतलब जितने देखे उसमें 1-2 विकेट निकाला है एंड जो पूरा वर्ल्ड कप हिस्ट्री बात करें तो मैक्सिमम विकेट में अभी एक्टिव प्लेयर में सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने लिया है एंड काफी अच्छे गेंदबाज है एंड ये मतलब वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सिर्फ एक मैच को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट हर एक मैच में इन्होंने 1 से ज्यादा विकेट निकाल कर दिया है, तो ये 3 गेंदबाज आपके लिए अच्छे खासे पिक हो सकते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, आज के मतलब जो मैच होगा उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट कौन देगा, ये तीनों सवालों का जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और इसका हम जो विनर होगा कल आपको टेलीग्राम पे अनाउंस कर देंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना भूलिएगा नहीं तो आप विनिंग मिस कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम कैप्टन के लिए चूज करेंगे डेविड वार्नर और वाइस कैप्टन के लिए चूज करेंगे ग्लेन मैक्सवेल, आप इनको रिवर्स कर सकते हैं बट मैंने अभी इनको ऐसे ही कर रखा है। दोस्तों इनमें चेंजेस तो होने वाले हैं, चेंजेस देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दिए। अब बात करते हैं मैच विनर के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया का जीतने का चांसेस 80% है एंड बांग्लादेश के जीतने का चांसेस 20% है और हमारे हिसाब से इस मैच को ऑस्ट्रेलिया जीत जानी चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया या बांग्लादेश, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको ये बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के फैंटेसी टीम हमने दोनों टीम्स के प्लेयर्स के लास्ट मैचेस के परफॉर्मेंस, उनके रिकॉर्ड, उनके स्ट्रेंथ और वीक पॉइंट पर बनाई हुई है, ये हमारी फाइनल फैंटेसी टीम रहती है। हमारी फाइनल फैंटेसी टीम आपको टॉस के बाद हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक हमने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, डेली ऐसी रिपोर्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, शुक्रिया। दोस्तों अगर आप लोगों ने माई लर्न सर्कल ऐप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है उसे ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन करिए, कम कंपटीशन है, साथ ही साथ 1 रुपये में ग्रैंड लीग जीतने का मौका है, साथ ही फर्स्ट डिपॉजिट पे 20% एक्स्ट्रा कैश और साथ ही 1500 का बोनस कैश भी है।